Starting with the 18th part here, it says find the sum of n terms to the sequence 8, 88, 888 and 8888 to n terms. अब ये जीपी तो नजर आ नहीं रहा हमें, लेकिन हम इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं वो देखो. अब यहाँ पे हमें सबका सम लेना, तो सबके बीच में आप क्या साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगा दो. 8 प्लस 88, 888 एंड 8888 एंड सो ऑन. अब इसमें से क्या कर सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हो. पहले वाले के पास क्या बचा 1, सेकंड के पास क्या बचा 11, थर्ड के पास क्या बचा 111, फोर्थ के पास क्या बचा 1111 एंड अप टू हाउ मेनी टर्म्स, एन टर्म्स. ओके, अब 8 हमने कॉमन ले लिया. अब हम इसको एक और चीज करेंगे, इसके साथ 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 से डिवाइड भी करेंगे. अब पहली टर्म क्या होगी हमारी 9, सेकेंड क्या होगी 99, थर्ड क्या होगी 999, फोर्थ क्या होगी 9999 अप टू एन टर्म्स. ठीक है, अब ये हो गया हमारी सिचुएशन. अब हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द कॉमन. और कॉमन ऐसे लेना है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे अप टू एन टर्म्स तक रहेगा. देखते हैं कि कैसे होगा. अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 10 माइनस 1. 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1. 999 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1. अब 9999 को कैसे लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 और अप टू एन टर्म्स तक. ठीक है, अब 10 माइनस 1 है तो, और 1000 को कैसे लिख सकते हो आप 10 का स्क्वायर, 1000 को कैसे लिख सकते हो 10 का क्यूब, 10,000 को कैसे लिख सकते हो 10 की पावर 4, 8/9 बार. अब हमारे पास क्या बचा, इन ब्रैकेट 10, 10 स्क्वायर को साथ में रखो, 10 क्यूब को रखो, 10 की पावर 4 को रखो एंड सो ऑन. एक पार्ट तो हमारा ये हो गया. ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा हमारा, हमारे पास माइनस वन कितनी बार है, एन टर्म्स है. तो माइनस वन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से. यहाँ पे भी एक एन लगा दो. अब ये अगर देखो, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो, पूरा का पूरा जीपी है और इसका सम निकल सकता है ना, एस एन वाले फॉर्मूला से सम निकल जाएगा इसका. कौन सा फॉर्मूला याद, मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, वेन आर इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि आर इस केस में क्या होगा, 100/10, 100/10 क्या होता है, 10. तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए आर एन माइनस वन डिविजन में आर माइनस वन. ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यूज हम सब्सिट्यूट कर देते हैं इसमें और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा 8/9 तो एज इट इज रहेगा. पहले ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, ए की जगह क्या रखोगे, 10, आर की जगह क्या रखोगे, 10, एन की जगह एनी माइनस वन ओवर आर माइनस वन, 10 माइनस 1. सो हेयर सेकेंड टर्म वुड बी एन ओनली. सो हेयर आफ्टर इट वॉट यू हैव टू डू इज कि 8/9 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 मिलेगा. और फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 10 एन माइनस 1. अब 8/9 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड वैल्यू क्या आएगी आपकी, 8/9 इंटू n, and that would be your answer for the 18th part.